थी एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और दूरदर्शी तथा लोकप्रिय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी ने जीवनदायिनी गोमती के उद्धार का संकल्प लिया। श्री आलोक रंजन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों के अनुसार गोमती के पुनरुद्धार की ठोस और व्यवहारिक योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए स्थानों पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और इससे जुड़े कार्यों का संपादन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हार्डिंग ब्रिज से जनेश्वर मिश्र पार्क तक गोमती की सफाई का जरूरी काम भी किया जाना प्रस्तावित है, जो काम पिछले 30 सालों से नहीं हुआ। इस योजना में गोमती नदी में शहर के तमाम नालों का गंदा पानी न गिरे, इसकी भी समुचित व्यवस्था कर ली गई है। इस काम को पूरा करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर गोमती नदी की सफाई के लिए कुड़िया घाट पर अस्थाई बांध बनाकर पानी रोककर सफाई का चुनौतीपूर्ण कार्य किया जा रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी नदी की धारा को रोककर नदी की आमूल चूल सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये कार्य पूर्ण होने पर नदी का पानी न केवल साफ नजर आए बल्कि वास्तव में साफ रहे भी। वर्तमान में बैराज के गेटों को खोलकर गोमती नदी का पानी फ्लश कर निकाला जा चुका है। गोमती की सफाई के बाद दोनों किनारों पर दीवार यानी डायफ्राम वॉल निर्मित की जाएगी, जिससे कि गोमती नदी दोनों दीवारों के बीच बह सके और दोनों ओर मिली जमीन का उपयोग शहरी एवं रिवर फ्रंट विकास के लिए किया जा सके। डायफ्राम वॉल के निर्माण के समय ऊपर से आने वाला पानी नदी के बीच से थोड़ी चौड़ाई में बहता रहेगा। योजना पूर्ण होने पर गोमती सिर्फ साफ ही नहीं होगी बल्कि पीने की पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि शहर की 30 लाख लोगों की आबादी गोमती के पानी पर ही निर्भर है। माननीय सिंचाई मंत्री के द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को संपूर्ण संरक्षण और मार्गदर्शन मिला हुआ है। सफाई के लिए सभी अत्याधुनिक मशीनरी जैसे ड्रेजर, पोकलैंड आदि का इंतजाम भी किया जा रहा है। गोमती की सफाई, विकास और सौंदर्यीकरण के लिए विदेशी स्थलों में जापान का भी अध्ययन भ्रमण इसी क्रम में किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में गोमती नदी के उद्धार के लिए एक चरणबद्ध और विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत तमाम किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित हैं, जैसे गोमती नदी को शारदा नहर प्रणाली के महदोइया और अटरिया स्केपों से जोड़ा जा चुका है ताकि गोमती नदी में शारदा नदी का स्वच्छ पानी आ सके। गोमती को भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के प्रयासों से जरूर वो अपना खोया हुआ सुनहरा कल और वैभव वापस पा सकेगी। आज गोमती अपने भविष्य की उम्मीदों पर इतराती होगी, क्योंकि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद गोमती साफ होगी। गोमती के इर्द गिर्द बीते कल की तरह सौंदर्य की सुनहरी छटा बिखर जाएगी।